तो आपको देश में रहने का हक नहीं है। सोनिया गांधी को इमीडिएटली भारत खाली कर वापस इटली जाना चाहिए। ऐसे तो हमारे ओबीसी रोज बोलता है, हम भी सड़कों पे आ जाए, मार देंगे लोगों को, सब चक्का जाम कर दे, आग लगा दे। हम बेवकूफ नहीं है, और क्या नाम है उनका, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, इस्लाम के हिसाब से नहीं। सीए पास हो गया, सब कुछ पास हो गया, तो फिर 14 तारीख को सोनिया गांधी ने क्यों बोल दिया कि आके सब लोग क्या चूड़ी पहन के बैठे हो, बाहर निकलो, घरों से बाहर निकलो, अब ये मौका है, घर में बैठने का नहीं है, घर से बाहर निकलने का है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। दिल्ली में आग धधकती रही, लोगों की जान जाते रही, और अब जब असली इंसाफ की बात आई, पुलिस तो लोग गुहार लगा रहे हैं कि असली गुनहगार सलाखों के पीछे जाए, तब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई। सवाल आज जनता से पूछूंगा, क्योंकि वो भी लगातार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली का मास्टरमाइंड है कौन, कौन है वो जिसने दर्जनों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। आइए जनता हमारे साथ है, हमसे सिलसिला शुरू करते हैं। बात वही है, दिल्ली में आग धधकी, लोगों की जान गई, असली गुनहगार जेल में जाएगा, गुजरात में बच गए, 1992 में बच गए, चाहे आप अयोध्या की बात कर लीजिए, मुंबई में हमला हुआ वहां पर लोग बच गए, गुनहगार बचते रहेंगे क्या कि जेल की सलाखों के पीछे जाएगा जो असली मास्टरमाइंड है? इस बार कोई नहीं बचेगा, इस बार जो है पूरी बढ़िया से हिफाजत हो रही है इनकी, और तैयारी गवर्नमेंट ने की है, पीएमओ ने रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, एनएसए ने रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, और आईबी राव ने भी रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, और पूरा एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो है वो एनआईए और जो एसआईजी वगैरह जितने भी है वो सब जो है मिलकर जो है एक सिस्टम तैयार कर रही है कि किस तरह से जो सारे एविडेंस को कलेक्ट कर उन पर जो है, और जितने भी एफआईआर हुए हैं उनको ढंग से खंगाला जा रहा है। गुनहगार कौन है, असली गुनहगार की बात की, असली पूछ रहा हूँ, नकली थोड़ी, गुनहगार तो गुनहगार नहीं, यहाँ तो जो पपेट और रिंग मास्टर बैठा हुआ है वो रिंग मास्टर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका एंड उनके जो बी टीम, जो केजरीवाल, सिसोदिया एंड उनके जो एमएलएज हैं, ये सब का मुख्य ये है, वो लोग स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान एंड आईएसआई गैंग, और उन्हीं के इशारे पर सारा काम चल रहा है, और इन लोगों का एक ही मिशन है, बिकॉज इनकी पॉलिटिक्स समाप्त हो रही है, और डेड पॉलिटिक्स जब हो गई है तो उन्होंने कहा कि हाउ टू कीप अलाइव एंड हाउ टू सर्वाइव द पॉलिटिकल यू नो मिशन। ओबीसी कह रहे प्री प्लांट था, तैयारी थी पहले से, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए उन इलाकों में, देखना चाहिए क्या कुछ नहीं, 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 एक बात तो ओबीसी सही बोल रहे हैं कि इट वॉज ए प्री प्लांट एंड प्री ऑर्केस्ट्रेट, ये बात ओबीसी, आरोप सरकार पे है भाई साहब, नहीं सरकार पर नहीं है, ये बात तो उनके आप देख लीजिए, सोनिया जी जो है शुरू से बोल रही हैं और वो बिल्कुल जो है एक खास वर्ग को इंगित कर रही हैं अपने भाषण से, रामलीला मैदान के भाषण से वो खास वर्ग को इंगित कर रही, इंस्टिकेट कर रही हैं, उनको उकसा रही हैं कि अब वो चुप रहने का समय नहीं है, आप अपने घरों से निकलो, आर पार की लड़ाई लड़ो और जो है लोगों को जवाब दो। क्या मतलब है भाई इसका, आर पार की लड़ाई लड़ो, आर पार की लड़ाई का मतलब समझते हैं किस वक्त बोला जाता है, चाहे हम मरे या तुम मरो, मार कर आएंगे या मर कर आएंगे। तो सोनिया गांधी जी और उनके कुनवे जो हैं इसी संदेश को लेकर आगे बढ़े, इंस्टिगेट हुआ, उसके बाद अनामुल्ला खान और जितने भी यूसुफ खान और वगैरह वगैरह ये लोगों ने शुरू कर दिया, और उसके बाद तो ये भी कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा भी हैं, कपिल मिश्रा भड़का रहे हैं जाकर लोगों को, धमकी दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कपिल मिश्रा ने क्या किया, कपिल मिश्रा तो सिंपली जब आप सेकंड शाहीन बाग जो है आप स्टार्ट कर दिए हैं, तो सेकंड शाहीन बाग को उन्होंने कहा कि दिल्ली कैन नॉट द टॉलरेट सच न्यूसेंस एंड डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट्स सेकंड टाइम, बिकॉज इस तरह से तो लोगों का मनोबल बढ़ता जाएगा, पूरे देश में हर रोड को जाम कर दिया जाएगा, लोगों का पूरा वातावरण, आपको तो पेड है, आप रोज 500,000 रुपया लेते हो आप, लेकिन जो बेचारे हजारों लोगों की नौकरियां चली गई दिल्ली में, युवाओं की, बुजुर्गों की, उनके लिए क्या, बच्चे मर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं लोग, पेशेंट एम्बुलेंस नहीं जा रहा है, तो क्या आप क्या मास्टर माइंड बन गए हो क्या, आप क्या पूरी भारत के मालिक बन गए हो क्या, आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते हो, पार्लियामेंट के द्वारा पारित लाव को नहीं मानते हो, हाई कोर्ट की बात नहीं मानते हो, वार्ताकारों की बात नहीं मानते हो, कि तो क्या आपका देश है क्या, सिर्फ आप ही आप मालिक बन गए देश के, कि आप जो चाहोगे कर लोगे, मनमोह जी
तो इस तरह के जो बहसीपन है, ये बहसीपन है और ऐसा बहसीपन को कपिल मिश्रा इंगित कर रहे हैं, पुलिस को कह रहे हैं। मानते हैं कपिल मिश्रा की कोई गलती नहीं है। चलिए रुकिए रुकिए, हाँ हाँ सुनो, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि मुझे संविधान पे विश्वास नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं मानती। मैं ये कहता हूँ जो जिस सिस्टम से आप सत्ता में आते हो उस सिस्टम क्यों नहीं मानते हो आप? मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अरे मैं कह रहा हूँ आज संविधान की धज्जियां कैसे उड़ती है, आप सिद्ध करो इस बात को भाई। संविधान ने आपको, आप संविधान की बात ही नहीं मानते हो, आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं मानते हो, क्यों नहीं मानते हो भाई? संविधान ने आज सवाल ये है कि दंगों का असली गुनहगार कौन है? दंगे का असली गुनहगार आप कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। कपिल मिश्रा जो किया बहुत अच्छा किया, कपिल मिश्रा के साथ जो कपिल मिश्रा जी ने किया बहुत अच्छा किया, और जो मोदी जी कर रहे बहुत अच्छी का। लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका भाड्रा और ये इसका क्या नाम, केजरीवाल, ये दल्ले हैं, बिल्कुल ये दल्ले हैं हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान के दल्ले हैं। वो तो कह रहे हैं पुलिस आपकी थी, क्या बात हो गई? सोनिया गांधी इस्तीफा दो अमित शाह जी। सोनिया गांधी जब गई ना, जब 26 तारीख को गई, उससे पहले क्या सो रही थी इलेक्शन से पहले? उससे पहले ये कह रही थी आओ सड़क पे आओ, यही समय है सरकार से बदला लेने का, सड़क पे आ जाओ भाइयों, अभी नहीं तो कभी नहीं। राहुल ने बोला, यही प्रियंका ने, यही सोनिया ने, कल था शाहीनबाग उसके 14 दिसंबर को सोनिया जी ने जो कहा, और जो शाहीनबाग को जो सजाया गया वो 15 दिसंबर था। बिल्कुल, और सोनिया गांधी ने शाहीनबाग को शुरुआत, ऐसा है कोई तो अच्छा आदमी शुरुआत करेगा, तो अच्छे लोग हैं, अच्छे काम के लिए अच्छे लोग ही शुरुआत करते हैं। और मैं धन्यवाद चाहूंगा उन लोगों का जिन्होंने ताहिर हुसैन जैसे लोगों की वीडियो बनाई, जिसका पता चला कि ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं। और मुझे समझ नहीं आता कि जब सब कुछ शांत बैठा हुआ था तो इनको, सब कुछ जब शांत था तो इनको 23 दिसंबर को इनको मेट्रो के नीचे आने की क्या जरूरत थी? अगर तुम नहीं आए होते तो शायद दिल्ली का सत्यानाश। तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण धरना चल रहा इन, ऐसा है ना, अच्छे लोगों के शांतिपूर्ण ही होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या जरूरत थी अगर तुम लोग वहां नहीं आते तो दिल्ली का सत्यानाश नहीं होता। सवाल वो पूछ रहे हैं कि कपिल मिश्रा को क्या जरूरत थी वहां? सर अगर कपिल मिश्रा गुनहगार है, अगर 1% मैं कह रहा हूँ, 10% अगर वो गुनहगार है, तो सबसे बड़ा गुनहगार 10 साल से जिसने आग लगा रखी है वो ओबीसी है। तो कह रहे प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, उस शिवियार इलाके में जाए। ओबीसी सबसे बड़ा गुनहगार है, उसके पार्टी के और उसके कार्यकर्ता ये सबसे बड़े गुनहगार है। हम लोग बेवकूफ नहीं है। मिश्रा जी ने गलत कहा तो हम किसी को मार दें? ऐसे तो हमारे को ओबीसी रोज बोलता है, हम भी सड़कों पे आ जाए, मार दे क्या लोगों को, सब चक्का जाम कर दे, आग लगा दे। हम बेवकूफ नहीं है, और क्या नाम है उनका, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, इस्लाम के हिसाब से नहीं। अनुराग मिश्रा इतने बड़े लीडर नहीं है देश के, समझे, और दिल्ली के इतने बड़े कपिल मिश्रा जो कह रहे हैं, कपिल मिश्रा इतने बड़े ना तो बीजेपी के लीडर हैं, ना तो आपके लीडर हैं, ना जनता के लीडर हैं, कि उनकी बात को पर जो है आरोप ये कि वो बड़ा बनने की कोशिश कर ले, इसलिए सब वो क्या बड़ा बनेंगे? वो बेचारा तो सिंपल रूप से स्ट्रगलर टाइप का आदमी है और उनके बात का कोई वैल्यू भी नहीं है, समझे ना। तो उनके बात को लेकर कोई जनता मैदान में कूद जाए, भाला बर्ची लेकर पत्थरबाजी करने लगे, ये गलती है बिल्कुल, ये तो असंभव है। आप लोग 23 तारीख को वहाँ बैठे, और जो उसके बाद ताहिर हुसैन ने करा, मुझे समझ नहीं आता। मेरी पुलिस को और हम हिंदुओं को के जान से मारना चाहते थे क्या आप लोग? मार दिया। ये क्या तैयारी है? चाकू मारे हैं, ये क्या तैयारी है? चाकू और ड्रिल, आपने पिक्चर में भी देखते तो कितना खतरा लगता है। ड्रिल चलाई है सर पे ड्रिल चलाई है, उसको मारा है, एसीपी को बड़ी बुरी तरह मारा है, वो आज तक होश में नहीं है। लेकिन अभी सवाल है, दंगाई का कोई चेहरा थोड़ी है, मरे तो सब है, दोनों पक्षों से मरे। नहीं मरे दोनों पक्षों से, दंगा किसी का भला नहीं करता, लेकिन आप तैयारी करो, खुद भड़का लोगों और दूसरे सरकार पे आरोप लगा दो कि इनके लोग भड़का रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तैयारी क्या कहती है कि मेरे दिल्ली पुलिस के सारे सैनिकों को, डीसीपी कोई भी सामने आए सबको मार दो, हिंदुओं को मार दो, ये कैसी तैयारी है, ये क्या है? ये कि ये कोई दंगा नहीं था, मैं आपको बार बार क्लियर करना चाहता हूँ, ये एक तरह का जेनोसाइड का मतलब होता है आप पहले से टारगेट करते हो, कर देते हो कि एक खास वर्ग के लोगों को, एक खास वर्ग के द्वारा
प्रोग्राम बनाकर, एक प्रायोजित प्रोग्राम बनाकर उसको कत्ल कर देना, नाश कर देना, घरों को आग लगा देना, दुकानों को आग लगा देना। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो मुस्लिम के घर थे, दुकान थे, उन पर इन्होंने पहले से कह दिया था कि आपको बचना अगर है तो आप नो सीए, नो एनआरसी आप लिख दो, आप जाकर अरे आप शिवपुरी कर जाकर देखिए, आप भगीरथपुरी को जाकर देखिए, ब्रह्मपुरी को जाकर देखिए और भगलपुरी को। मैं जहां जहां गया, मैंने खुद निरीक्षण किया वहां पर, अभी भी आज भी आप खुद भी जाकर देख सकते हो कि जो जहां पर नो सीए नो एनआरसी लिखा, उन दुकानों को छोड़ दिया गया, उनको छोड़ दिया गया, उनके बगल को दोनों साइड जो हिंदुओं के थे, एक साइड से सैकड़ों दुकान, सैकड़ों उनको आग लगा दिया गया। और एक एक चीज को, जो सुनारों की दुकान थी, वो पहले सुना लूटा गया, उसके बाद आग लगा दिया गया। अभी आप जो है शिवपुरी के पास एक और मोहल्ला है, वहां पर मैंने देखा कि राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो किसी मुसलमान का है, उसको यूज किया गया। बगल में DRS कोई हिंदू का स्कूल है, उसमें घुसकर पूरे फर्नीचर को, लाइब्रेरी को आग लगा दिया गया। और वो मुसलमान के ऊपर में जो ये कैपिटल टीवी वाले गए थे, मैं भी उस दिन गया था, तो उस पर हमने देखा कि इतने सारे तेजाब के बोतल, जिसको बम कहते हैं, पेट्रोल बम, इतने सारे कट्टे में रखे हुए पत्थर, और बड़े बड़े, जब मुगल कालीन शासन में जो बड़े बड़े गुलेलों को यूज किया जाता था उस समय का स्टाइल में ढलैया किया हुआ, ढलैया और क्या कहते हैं उसको, रिक्शा में तो वो तो रोड पर, उस स्कूल के ऊपर यानी तैयारी पूरी थी। लेकिन अब सवाल ये है, तैयारी थी, कुछ थी, पुलिस गच्चा क्यों खा गई, तैयारी होने क्यों थी, पहले एक्शन होना था, उन्हें पकड़ के जेल में डालना था, ये लोग क्यों मर गए? नहीं सर, ये लोग तो मर गए, लेकिन इनके मरने के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ है ना, वो सोनिया गांधी है। वो मैं बताता हूँ क्यों है। आप देखिए, 14 तारीख को जब ये CAA पास हो गया, सब कुछ पास हो गया, तो फिर 14 तारीख को सोनिया गांधी ने क्यों बोल दिया कि आके सब लोग क्या चूड़ी पहन के बैठे हो, बाहर निकलो, घरों से बाहर निकलो, अब ये मौका है, घर में बैठने का नहीं है, घर से बाहर निकलने का है। जब आप आर पार की लड़ाई लड़ने वाली बात करोगे और किसी वर्ग विशेष के दिमाग में इस बात को ठूंसोगे कि घर से बाहर निकलो और अटैक करने की मुद्रा में आ जाओ, तब आदमी एक षड्यंत्र रचता है, एक लोगों को शुरू से भड़काया, इनसे शाहीन बाग वहां से जब वहां जम गया, और उस शाहीन बाग को षड्यंत्र के तहत उठने दिया नहीं गया, क्योंकि वहां पे फिर कांग्रेस के नेता जाने लगे। इन लोगों ने अपना एक लीडर बनाकर तैयार नहीं करा, क्योंकि उनको पता था कि किसी भी राजनीति, जो भी सेंटर में गवर्नमेंट होगी, वो किसी ना किसी को, बंदे को चाहेगी कोई एक बंदा आए हमसे बात करे। लेकिन वहां पे बंदा जानबूझ के तैयार नहीं करा गया एक भी, क्योंकि नेता था ही नहीं वहां पे कोई भी, कह रहा पब्लिक से आके बात करो, क्योंकि भ्रमित करने की वाली बात थी वो। और यदि एक नेता यदि वहां पे होता तो इनको पता था कि रात में उठा लेगी पुलिस, उन्हें ले जाएगी, बात करेगी इनसे कि भाई तूने क्यों यहां पे जमघट लगा रखा है, क्यों मरवाने के तैयार कर रखा है। इसलिए षड्यंत्र के तहत आज की तारीख में भी उनके पास वहां पे कोई नेता नहीं है। 50 तरह के आदमी है, 50 तरह की दादी है, दादा है, सब बैठे हुए हैं, इनसे आके बात करो, इनसे आके क्या मगज मार लेगा, अमित शाह बैठ के बात करेगा वहां पे इनके साथ, या फिर मोदी जी वहां बैठ के बात करेंगे, क्या रिजल्ट निकलेगा वहां पे? एक कहेगा नहीं, एक कहेगा हाँ, एक कहेगा वो, एक फलाना ढिमकाना, तो क्या रिजल्ट? कुछ नहीं निकलना, खाली ये बढ़ता रहेगा। इन्हें सिर्फ CA और NRC का विरोध करना था, और CA और NRC के विरोध में ये लोग बहुत भयंकर तरीके से बैठे हुए थे, और ये लोग सिर्फ ये चाहते थे कि इसको हम इतने बड़े पैमाने पे आगे बढ़ा दें कि ये आग लग जाए, और ये षड्यंत्र में कामयाब हो गए। और यहाँ पे जब ये बैठे रात में आके, ये जो अपना मेट्रो स्टेशन था इस जाफराबाद में, मुझे बिल्कुल भनक लग गई थी कि ये अब होने वाला है, क्योंकि ये इनको छेड़ेंगे और आग लगेगी। और उधर से कपिल मिश्रा ने उनको कुछ नहीं कहा, कपिल मिश्रा ने सिर्फ ये कहा था कि भैया सड़कें क्या, हम लोग नौकरी पेशा वाले आदमी हैं, सुबह शाम निकलते हैं, बाहर जाते हैं, यहाँ भी बैठ गए, ये वहां भी बैठ गए हैं, वहां नोएडा वाले दिक्कत में आ रहे हैं, ठीक है इलेक्शन की वजह से आदमी खा गया टाइम को, लेकिन इधर भी अब ये बैठ गए, फिर ये दिल्ली में चारों तरफ बैठेंगे पार्टी मार के, इसका मतलब। और कपिल मिश्रा ने क्या कहा था कि भैया ट्रंप आया हुआ है, हम सिर्फ 2 दिन के लिए चुप बैठे हुए हैं, आप लोग चाहो तो देखो DCP साहब खड़े हैं मेरे बगल में, मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि आप इनको या तो हटवा दो, नहीं तो हम दोबारा आ रहे हैं। ये कहाँ से, मुझे लगता नहीं है कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज है कि किसी से कोई चुप भड़क जाएगा। भैया वो सीधे सीधे अपील कर रहा है आपसे, कोई भड़काने वाली बात तो कहीं नहीं है कि आप उसके ऊपर टारगेट कर रहे हो कि कपिल मिश्रा दोषी हो गया। भाई कपिल मिश्रा दोषी होता तो उसकी लैंग्वेज में दिखाई देता, ठीक है ना? और हिंदू ऐसा है कि वो गलत करता है तो गलत को गलत बोलता है,
ठीक है, ये नहीं देखेगा कि वो हिंदू है मुसलमान है कुछ है, गलत है तो गलत बोलता है वो। कि वो कत्ल भी करते हैं, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होनी चाहिए, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होनी चाहिए, हम आह भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो सड़क से जब उन्होंने संसद की लड़ाई, जब सोनिया गांधी और उनकी बी टीम हार गई, तो उन्होंने कहा कि अब जो है सड़क पर जो है वो जो मंदर है, क्या नाम है, हर्ष मंदर उनका एडवाइजर है, तो वो कहता है कि संसद में तो हम लोग लूच कर गए, तो अब जो है सड़क पर गुंडागर्दी कर ही जो है हम अपनी पॉलिटिकल अस्तित्व को जिंदा रह सकते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक डी डेमोक्रेटाइजेशन है देश का। और इस तरह के अब देखिए इन लोगों का लॉबी इतना तक है कि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको कोई राइट नहीं है कि भारत के इंटरनल मैटर पर आकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करे, तो दे हैव परस्यूड द पीपल एट द UNHRC, और उनको भी उन्होंने कहा कि यू शुड इंटरवीन इन द सुप्रीम कोर्ट एंड यू शुड ट्राई टू डिमोरलाइज द थेसिस ऑफ दिस गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन दिस इशू। तो ये बात है कि जब पार्लियामेंट ने एक एक्ट को बना दिया, उसमें पूरा राज्यसभा लोकसभा से पास हो गया, मुहर लग गया, प्रेसिडेंट का भी सील्ड हो गया, तो आपको क्या राइट है? आप भी एक डेमोक्रेटिक नेशन में रहती हैं, आपको इस तरह की कि बाहर निकलो, दंगा भड़काओ, ये आर पार की लड़ाई है, ये कहने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि आप देश के जो गणतांत्रिक व्यवस्था है, रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आप देश की जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो संविधान है, उसमें आप लीव नहीं कर सकते, नहीं करती हैं, और अगर आप नहीं करती हैं तो आपको देश में रहने का हक नहीं है। सोनिया गांधी को इमीडिएटली भारत खाली कर वापस इटली जाना चाहिए। मतलब यहाँ तक की बात आ गई? यस, आ गई, बिकॉज ये एंटी नेशनल है, और पहले ये KGB की एजेंट थी। ये बात जो है KGB के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने खुद अपनी वीडियो में मैंने उसका वो किया कि सोनिया गांधी वाज हाईली पेड बाय द KGP, और यहाँ के जो उन्होंने ये भी बताया कि भारत के जो लेफ्टिस्ट हैं उनको भी KGB किस तरह से रसिया बुलाती थी, मॉस्को बुलाती थी, और बार में और डिफरेंट प्रकार की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में फिर उनको रखती थी, और उनको लगता था कि मैं बहुत बड़ा वक्ता हूं, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूं, लेकिन KGB का ये रोल था कि भारत की जितने भी आंतरिक यहां के न्यूज थे उनको वो लेती थी और उसके अनुसार भारत के खिलाफ काम करती थी, उसकी एजेंट KGB, और आज भी उनको पैसा आता है, आज भी पैसा आता है। तो चलिए, जनता ने साफ तौर पर ये कहा कि जो तमाम पार्टियां हैं, बयानबाजी जो हुई, बरगलाने की कोशिश जो हुई, उसकी वजह से दिल्ली धधक उठी, लेकिन ये तो जनता तय करेगी, सोचेगी, पुलिस देखेगी, जांच करेगी कि आखिरकार असली गुनहगार कौन है, कौन है जिसने दिल्ली में जहर घोला। अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए। अपने सहयोगी अंकित के साथ नवीन चौहान, दिल्ली, हेडलाइंस इंडिया।